हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो 22 तारीख को होने वाला था और मैंने आपको व्याकरण का एक बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें संस्कृत के शब्द रूप, धातु रूप, समास, संधि, अनुवाद, सारी चीज़ें जो है वो एक ही वीडियो में थी। सबका अच्छा प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया था और प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट डे जो है आपका साहित्य का प्रैक्टिस सेट होगा। तो यस, आज यहाँ पे हम साहित्य के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। पूरे 30 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है और अगर संस्कृत साहित्य का कोई क्वेश्चन आता है तो निश्चित रूप से वो इनमें से फंसने के पूरे पूरे चांसेस होंगे। और साथ में अगर कुछ क्वेश्चंस के बीच में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कुछ उससे मिलता जुलता, तो उसमें से फंसने के चांसेस हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। ऑल द बेस्ट, कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आंसर आपके सही हो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम होता तो आपको फिर अटैम्प्ट करना ही होता। चलिए स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कालिदास की रचना रघुवंशम है क्या? एक खंड काव्य, एक मुक्त काव्य, एक गीति काव्य या एक महाकाव्य? तो फटाफट से बताइए, खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, गीति है, महाकाव्य है? तो सही आंसर जो हो जाता है यहां पे इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये एक महाकाव्य है। संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया? तो यहां पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, भवभूति ने ऐसा कहा है। उन्होंने लिखा है पूरा, ये पूरी लाइन्स बनेंगी वो बनेंगी, एको रस करुण एव निमित्त भेदाद भिन्न पृथक पृथक गिव श्रूयते विवर्तान। ठीक है, ये पूरा उन्होंने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? सिंपली ज़्यादातर यूपीटेट में लेखक वगैरह करके ही पूछते हैं, देख लीजिए। तो कला परिच्छेद के लेखक हैं दंडी, तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये सही उत्तर हो जाता है, महाकवि दंडी जो है वो उसके लेखक हैं। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे उसमें करुण रस है और इसकी रचना किसने की है? महाकवि भवभूति जी ने इसकी रचना की है। तो रचना भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए भवभूति, और अगर रस पूछता है तो क्या है? करुण रस है। भारवि द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस क्या है? ध्यान से अगर ये पूरा रट लेंगे सारे क्वेश्चन तो आपको हेल्प होगी। देखिए यहाँ पे रचनाकार और रचना का भी नाम दे दिया है कि क्वेश्चन में, रस भी पूछ लिया है। तो यहाँ पे सही उत्तर होता है इसमें वीर रस है, तो सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? फटाफट से बताइए, अभी इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है बस एक दो क्वेश्चन पहले। यस, तो सही उत्तर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर रामचरितम किसने लिखी है? अभी बताया था भवभूति ने लिखी है। रस कौन सा था उसमें? करुण रस था। तो बेसिकली करुण रस के राजत्व की प्रतिष्ठापना जिसको हम कह सकते हैं वो इसी ग्रंथ द्वारा हुई है। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? देखिए बृहत्त्रयी में तीन ग्रंथ आते हैं, ठीक है, उनमें से चारों में से कौन सा एक है जो नहीं है? सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, रघुवंशम। रघुवंशम जो है आपका बृहत्त्रयी में नहीं आता है, बाकी जो है किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम, ये तीनों ही आता है। और तीनों के रचयिता कौन है? क्योंकि आपके यूपीटेट में रचयिता ही पूछा जाता है ज़्यादातर, इसकी रचना किसने की है? तो किरातार्जुनीयम की रचना किसने की है? भारवि ने। शिशुपाल वधम की रचना किसने की है? माघ ने। और नैषधीय चरितम की रचना किसने की है? श्री हर्ष ने। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? उपमा, श्लेष, उत्प्रेक्षा या फिर रूपक? तो यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, उपमा अलंकार हो जाता है इनका प्रॉपर, एक उपमा कालिदास, इसको रट लीजिए, मतलब एक प्रॉपर श्लोक ही है इनका, वो मैं आपको एक अलग से विद एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा देती हूँ एक दो मिनट के वीडियो में, है ना? तो वो चीज़ आप रट लेंगे तो कुछ किसी का भी पूछ लेगा कि कौन सा कवि किस चीज़ के लिए फेमस है, तो आपसे बन जाएगा। हालांकि पहले भी मैंने बहुत पढ़ाया हुआ है इसको,
पर काफी पहले है ना, काफी टाइम हो गया है। रघुवंशम किसकी रचना है? व्यास, भरत मुनि, कालिदास, चाणक्य। तो रघुवंशम है, कालिदास की रचना। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। शिशुपाल वधम के रचनाकार का नाम क्या है? अभी ऊपर बताया था बृहत्त्रयी वाले क्वेश्चन में, फटाफट से गेस करिए सभी लोग। यस, वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, ध्यान से सुनते चल रहे हैं, तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मांक, अभी ऊपर बताया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। श्री हर्ष का ग्रंथ है कौन सा? हित, हरिवंश, नैषद काव्य, राज तरंगिणी या मेघदूत। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन के लिए वो होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, नैषद काव्य। मालती माधव के रचनाकार हैं कौन? भारवि, कालिदास, श्रीहर्ष या फिर भवभूति। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा सभी लोग। लाइक करने भी प्लीज कंजूसी मत किया करिए, कर दिया करिए, मोटिवेशन मिलता है उससे, तो लाइक कर दिया करिए। एंड जो लोग चैनल पे न्यू हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन पे जाएंगे तो एक और चैनल की लिंक दी है, वहाँ पर मैंने कमेंट पे पिन कर रखा है, वो मेरा ही चैनल है जहाँ पे डिवाइड होके क्लासेस चल रही हैं। कुछ क्लासेस यहाँ इस चैनल पे चल रही हैं, कुछ उस चैनल पे चल रही हैं। वो चैनल एकदम अभी ज़्यादा वैसा नहीं है, न्यू है, मोनेटाइज भी नहीं है उसका, तो अभी आप लोगों को उसमें ऐड वगैरह की भी झंझट नहीं रहेगी। आराम से देखिए उसमें और पढ़ाई करिए क्योंकि एग्जाम में टाइम कम है। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर डी, भवभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए किसकी प्रसिद्धि सर्वाधिक है? कालिदास, माघ, भारवि, दंडी। पद लालित्यम के लिए, जैसे कि अभी आपने कालिदास का कहा, देखा कि उपमा के लिए कालिदास जो है वो प्रसिद्ध हैं, तो पद लालित्य के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो इसके लिए जो सही उत्तर होता है आपका वो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, दंडी। और जैसा कि मैंने बताया कि 2 मिनट की वीडियो को अलग से मैं आपको इस टॉपिक पे देकर ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर कर दूंगी और रट जाएंगी चीज़ें। भवभूति का मूल नाम क्या था? श्रीपति, दामोदर, श्रीकंठ, नीलकंठ। तो इनका मूल नाम जो था वो था श्रीकंठ। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। भवभूति की रचना का नाम क्या है? इनमें से कौन सी रचना है जो भवभूति की है? काफी बार ये रचना का नाम आ चुका है। सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर राम चरितम। ये सही उत्तर हो जाएगा। मालविकाग्निमित्रम नाटक के लेखक का नाम बताइए। कालिदास, भवभूति, भास या भारवि। तो काफी फेमस ये नाटक है और इसके रचयिता हैं कालिदास जी, तो ये सही उत्तर हो जाएगा आपका। उनके कुछ और भी नाटक हैं जो फेमस हैं, जो पूछे जाते हैं, जिसमें कि अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला आपका नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी रचना भारवी की है? सो करेक्ट आंसर जो हो जाता है कि इनमें से कौन सी रचना भारवी की है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, किरातार्जुनीयम। ये इनकी रचना है और ये क्या है, ये महाकाव्य। अगर पूछते बोलते हैं क्या है तो ये महाकाव्य है। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कि खंड काव्य है कि महाकाव्य है। इनमें से कौन सी रचना दंडी की है? दस कुमार चरितम, शिवराज विजय, मेघदूत, हर्षचरित। तो यस, दस कुमार चरितम दंडी की रचना है। नैषधीय चरित रचना के लेखक का नाम बताइए। श्रीहर्ष, दंडी, भास या भवभूति। तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर ए, श्री हर्ष की ये रचना है। वेणी संहार नाटक का अंगीरस है कौन सा? वेणी संहार। तो सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए, वीर रस है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचना किसने की है वेणी रस की? भट्ट नारायण जी ने। वेणी रस बोल रहे, सॉरी, वेणी संहार की। किस रचना में कुट्टनियों का वर्णन किया गया है? तो कुट्टनियों का वर्णन हुआ है आपका ऑप्शन नंबर डी, रत्नावली में। ठीक है, नाटक कौर कौन है इसके? राजा हर्षवर्धन जी, याद रखना है इसको। किस महाकाव्य को विद्वानों के लिए औषधि माना गया है? क्वेश्चन का स्टैंडर्ड
जितना होना चाहिए उतना यहाँ पे है, ठीक है। जो चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, जिसे इसमें और भी डीप अगर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो जो है आपके सिलेबस में नहीं है और वो नहीं आता है, इस वजह से वो चीज़ इंक्लूड यहाँ पे नहीं की है। ये जो आपके TGT लेवल तक के क्वेश्चंस जो है, वो उनका लेवल यही है जो आपके सामने है इस वीडियो में। सो यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है कि किस महाकाव्य को विद्वानों का के लिए औषधि माना जाता है, वो होता है आपका ऑप्शन नंबर 1 नैषधीय चरितम। इसको माना जाता है, इसका कौन सा रस प्रधान है ये थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान है की प्रधानता है। कितने सर्ग हैं ये पूछा जाता है, तो क्या है, 22 सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कला परिच्छेद के रचनाकार हैं कौन? कला परिच्छेद, इसका उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 1 दंडी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ किन 3 गुणों से विभूषित स्वीकार किए जाते हैं? ऑप्शंस देख लीजिए, यानी कि माघ जी को कौन से 3 गुण, अभी तक जैसे हम लोग देख रहे थे कि कालिदास में उपमा है, ऐसे सबका अलग अलग देख रहे थे, अभी माघ जी में कौन से 3 गुण हैं? तो सही उत्तर होता है आपका ऑप्शन नंबर C, उपमा, अर्थ, गौरव, पद, लालित्यम। ये 3 गुण जो है उनमें पाए जाते हैं, उनके मतलब रचनाओं में पाए जाते हैं, ये सही उत्तर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी रचना लघु त्रयी में नहीं आती है? अभी बृहत त्रयी हमने देखा था, अब यहाँ पे क्या है, लघु त्रयी है। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D, ऋतु संहार, ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कौन से कवि अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्ध हैं? फटाफट से आंसर दे दीजिए, जैसे अभी सबका थोड़ा थोड़ा तो बता ही दिया है, कि भास जी का बता दिया है, कालिदास जी का बता दिया है, ऐसे सबका थोड़ा थोड़ा बता दिया है, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है इसका आंसर गेस करना। सही उत्तर यहाँ पे हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 1। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? बहुत ही फेमस है, जब भी आप रचना एवं रचनाकारों के नाम का सेक्शन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा ये नाम आता होगा, मुद्रा राक्षस। सही उत्तर होता है यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 2, विशाख दत्त जो है वो इसके रचयिता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक का नाम बताइए। अभी ये चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो सही उत्तर हो जाता है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के लेखक, वो होते हैं कालिदास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? सही उत्तर होता है आपका यहाँ पे 19 सर्ग। अगला प्रश्न है आपका, राजशेखर के नाटक का नाम है क्या, यानी कि जो ऑप्शंस दिए उनमें से कौन सा नाटक राजशेखर द्वारा रचित है? इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट फिर से है, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और सुपर टेट की प्रिपरेशन करनी है प्रॉपरली तो दूसरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पे प्रॉपर क्लासेस चलेंगी। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं इसका सही उत्तर क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, बाल रामायण राजशेखर द्वारा रचित नाटक है, ठीक है। तो ये आज के क्वेश्चन थे। आई जस्ट होप यू लाइक, इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।